अध्यारोपण का सिद्धांत। बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्योंकि इसको पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको ये 12th में जरूर काम देगा। अध्यारोपण मतलब एक जगह सुपरपोज होता है, मतलब अगर यदि दो या दो से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्य कर रहा होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोपित हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो हो अलग अलग टाइप का बल, इधर से लग रहा है, उधर से लग रहा है, इधर से चारों बगल से अगर लग रहा है तो उस पर क्या होगा परिणामी बल, तो वहाँ पर दो बल लगाता आसानी से हम निकाल लेते हैं। अगर जिसका कम हुआ तो वह क्या हो गया, असंतुलित, जिसका जिसमें जीरो नहीं हुआ तो वह असंतुलित, और जिसमें जीरो हो गया वह संतुलित। वही अगर यदि दो या दो से अधिक हो जाए, मतलब दो चार को पांच को आ जाए, तो वहां पर क्या करेंगे, हमको वहां पर बल का अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बल का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, तब उस बिंदु पर जो परिमाणी विद्युत परिमाणी बल जो होगा वह उन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। उन सभी बलों के क्या चीज होगा, सदिश योगफल। सदिश योगफल बताए थे ना आप लोगों को, सदिश को जोड़ने का तरीका ना, जो बताए थे सदिश को जोड़ने का तरीका, पॉलीगोन, तीन लॉ बताए थे, पॉलीगोन लॉ, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, और पॉलीगोन लॉ, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम बताए थे ना। तो तुम लोग पढ़े के आया करो। बल के अध्यारोपण का सिद्धांत किसको बोलेंगे, अगर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, ठीक है, इस पर चार पांच गो फोर्स आ रहा, एगो ये फोर्स आ रहा है, एगो ये फोर्स लग 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 रहा है, ठीक है, समझे बात को। कहने का अर्थ है यह एफ वन लगा, यह एफ टू लगा, और यह एफ थ्री, और ये एफ फोर, और यह एफ एन लगा, मान लीजिए बहुत सारा लग गया एफ एन, तो परिमाणी इस पर कितना होगा, मतलब यहाँ पर कितना विद्युत बल कार्य करेगा, कितना करेगा, तो इस बिंदु पर विद्युत बल निकालने के लिए हम लोग किसके नियम का पालन करते हैं, बल के अध्यारोपण के नियम का पालन करते हैं। बल का अध्यारोपण क्या कहता है, किसी बिंदु पर आने वाली, यानी किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक लगने वाले बल का जो परिमाणी बल होता है, इन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है, सदिश योगफल के बराबर होता है, इसी को क्या कहते हैं, बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं, इसको बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। कहने का अर्थ है कि दो या दो से अधिक बल अगर यदि किसी एक बिंदु पर लग रहे हो, तो उस बिंदु पर लगने वाला परिमाणी विद्युत परिमाणी बल जो होता है वह उन सभी बल के सदिश योगफल के बराबर होता है, इसी को क्या कहते हैं, बल के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आई, चलिए लिखिए, इसी बात को लिख लेना है पहले से बेहतर तरीके से, ताकि आप लोग बुढ़ाइयों में भूलिए, कॉपी रखिएगा, झालमुरी में भेज दीजिएगा। चलिए, यदि किसी बिंदु पर एक ही साथ एक से अधिक, यदि किसी बिंदु पर एक ही साथ एक से अधिक बल, एक ही साथ एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तब उस बिंदु पर लगने वाला, तब उस बिंदु पर लगने वाला, तब उस बिंदु पर लगने वाला, तब उस बिंदु पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी बल उन सभी बलों के सदिश योगफल, उन सभी बलों के सदिश योगफल
सदिश योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसे बल के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। चलो यहाँ देखो, क्योंकि ये अगर भी परिणामी निकाल रहे हैं तो आप समझिए ट्वेल्थ में आपको दिक्कत नहीं होगा। ट्वेल्थ में इससे रिलेटेड तीन चार सवाल है, ठीक है, तीन चार सवाल है, तीन चार भाई क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इसको अच्छे से समझ जाइए। यदि यहाँ देखिए, यदि F1, F2, F3, F4... क्या है Fn, ये क्या है, विभिन्न बल है अलग अलग प्रकार का, जो कि कहाँ लग रहा है, किसी एक पॉइंट पर लग रहा है, तो इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, F बराबर परिणामी बल, परिणामी बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि एक बार जीरो लाते देंगे, जीरो हो जाएगा, तो संतुलित बल हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए, तब इसका जो परिणामी बल होता है वह किसके सम के बराबर होता है, बताइए तो, सभी सदिश, सभी बल के सदिश योगफल के बराबर, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, बल को हम जनरल तरीके से नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, F1+F2+F3+F4+...Fn, ये हो जाता है, यही है इसका फॉर्मूला परिणामी बल। अब देख लेते हैं, अब केवल दो बल के लिए एनालिसिस देखते हैं, क्या देखते हैं, एनालिसिस मतलब इसका हिंदी क्या होता है, विश्लेषण। यहाँ देखिए, विश्लेषण मतलब अब केवल किसके लिए देखते हैं, दो बल के लिए, केवल दो बल के लिए, केवल दो, दो बल के लिए क्या होगा, देखिए इस पॉइंट पर अगर यदि केवल दो बल कार्य कर रहा है, एक F1 और एक F2, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या होगा, F बराबर F1+F2। जब दो सभी दो को जोड़ते हैं तो क्या होता है, बताइए तो, क्या होता है, जब दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, और तो कुछ ना कुछ थीटा डिग्री पर आता होगा, आता होगा अंडे, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा डिग्री पर आया, तो थीटा डिग्री पर आया तो क्या होगा, इसका क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, एफ बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला रे, दो सदिश को जोड़ने का फॉर्मूला यही होता है, इसको लिख लो जल्दी से, हाँ। और परिमाणी बल की, परिमाणी बल की दिशा किधर होगी, परिमाणी बल की दिशा, हाँ, ऊपर क्यों कहते हैं, ऊपर क्यों कहूँगा, परिमाणी बल की, परिमाणी बल की दिशा किधर होगी रे बबुआ, अप्लाइड फोर्स के, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है रे, तो यहाँ पर टेन अल्फा निकालेंगे, बल की दिशा नहीं बताए थे, इनवर्स करते, यहाँ पर हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा F2 sin theta / F1+F2 cos theta, ठीक है, ये होगा फॉर्मूला बल की दिशा निकालने के लिए।